हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। स्वागत है आपका आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम कराने जा रहे हैं आपकी पुस्तक तरंग बाय अमित पब्लिशिंग हाउस से कौन सा पाठ, पाठ 5, जिसका शीर्षक है सुबह हो गई। बच्चों, ये एक बहुत ही अच्छी कविता है जिसमें हमें देखना है कि सुबह सुबह क्या होता है। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि योगा हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अत्यधिक आवश्यक है। उपर्युक्त आसन के प्रकारों को पहचानकर हमें उनके नाम लिखते हैं कि कौन सा आसन है, ये कौन सा आसन है, ये कौन सा आसन है। हमें इनके नाम के बारे में हमें इनको पहचानना होगा और हमें इन आसन को लिखना होगा। और अब हम करते हैं अपनी कविता का कविता प्रवेश। सुबह हमें नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ एक नया दिन शुरू करने का अवसर देती है, जो सुबह सुबह होती है, प्रातःकाल। सुबह की ताजगी और शांति हमें मानसिक और शारीरिक रूप से स्थिरता और सकारात्मकता प्रदान करती है। प्रत्येक सुबह हमारे जीवन में सफलता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होती है। आइए शुरू करते हैं। उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गई। ये देखिए कितना सुंदर चित्र बना है सुबह का। ये देखिए, ये सूरज दादा मुस्कुरा रहे हैं, तो सुबह हो गई है। और ये मुर्गा सुबह सुबह बांग दे रहा है कुकड़ू कू, यानी कि सुबह हो गई है। और फूल पत्तियां भी खिल गई हैं और बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुबह सुबह बहुत ही अच्छा लग रहा है ना। मुर्गे ने है बांग लगाई, उठ जाओ सुबह हो गई है भाई। चिड़ियों ने भी डाला डेरा, ची 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 हुआ सवेरा। सूरज तुम्हें जगाने आया, किरणों ने है ली अंगड़ाई। उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गई। दादा दादी मंदिर की करे तैयारी, मुन्नी रोती बस्ता भारी। पापा जी अखबार मंगा ले और दादाजी घूमने जाते। रसोई में अम्मा की अब तो खटखट शुरू हो गई, उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गई। ऊ करना छोड़ दो अब तो, हिलो जरा तुम आंख खोलो तो। नहा धोकर तैयार तुम होना, अनमोल समय है यूं मत खोना। चंदा छिप गया, छिप गए तारे, रात थोड़ी ना, सुबह तो सब चीजें छुप जाती है, चंदा मामा भी छुप जाते हैं, तारे भी छुप जाते हैं। तो चंदा छिप गया, छिप गए तारे, रात में जाने कहाँ खो गई। उठ जाओ, उठ जाओ, सुबह हो गई। आप चित्र में भी देख रहे हैं जो दादी माँ है मंदिर जाने की तैयारी कर रही है, पापा क्या कर रहे हैं, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, और मुन्नी क्यों रो रही है स्कूल जाने के लिए, क्योंकि उसका जो बस्ता है वो बहुत भारी है। तो हमारी ये वाली कविता थी सुबह हो गई, जिसकी कवित्री थी, जिसको लिखा था आशा सहदेव जी। और अब हम चलते हैं आगे। सबसे पहले हमेशा की तरह पहले कठिन शब्द, बांग डेरा किरण अंगड़ाई बस्ता और अनमोल। और अब हम चलते हैं शब्द अर्थ। सुबह का अर्थ है सवेरा, डेरा का अर्थ है जमकर बैठना, अनमोल का अर्थ है कीमती, खोना बर्बाद करना, बांग मुर्गे की आवाज, अंगड़ाई लेना शरीर को जोर से खींचना, रसोई का अर्थ है वह स्थान जहाँ खाना बनाते हैं, और चंदा चंद्रमा। तो ये हमने क्या किए थे, ये हमने किए थे शब्द अर्थ और कठिन शब्द। और अब हमसे पूछा है मुर्गे ने बांग लगाकर क्या कहा। मुर्गे ने बांग लगाकर कहा, भाई सुबह हो गई है, सुबह। सूरज क्या करने आया, सूरज सबको जगाने के लिए आया। दादी जी कहाँ जाने की तैयारी कर रही है, दादी जी मंदिर जाने की तैयारी कर रही है। और पापा जी क्या कह रहे हैं, पापा जी क्या कर रहे हैं, पापा जी कर रहे हैं अखबार मंगवा लो, अखबार मांग रहे हैं। और अब हमें क्या करना है, सही विकल्प पर हमें सही का चिन्ह लगाना है। पापा जी ने क्या मंगवाया, बस्ता अखबार खाना या पूजा की थाली, पापा जी ने अखबार मंगवाया। तो
मैंने अखबार के आगे सही का चिन्ह लगा दिया। दादाजी कहाँ गए हैं? बाजार, घूमने, सोने या खेलने? दादाजी गए हैं घूमने। हमने घूमने के आगे सही का निशान लगा दिया। समय क्या है? व्यर्थ, बेकार, अनमोल या ये सभी? समय अनमोल है बच्चों, हमें समय को नष्ट नहीं करना चाहिए। बीता हुआ समय वापस नहीं आता है, तो समय अनमोल है। तो मैंने अनमोल के आगे क्या किया? सही का निशान लगा। और अब है कविता की पंक्तियां पूरी करो। हमें कविता की पंक्तियां पूरी करनी है, तो हमने ये क्या किया, यहाँ पे लिख दिया सूरज, और ये आ जाएगा सूरज ने भी डाला डेरा, नहा धोकर तुम धोकर तैयार तुम होना। यहाँ पे आ जाएगा नहा, चीची चीची हुआ सवेरा, हमने यहाँ पे भर दिया सवेरा। अनमोल समय है यू मत होना, हमें अपने अनमोल समय को नहीं बर्बाद करना चाहिए, नहीं खोना चाहिए। तो हमने रिक्त स्थान पूरे करे, सूरज ने भी डाला डेरा, चीची चीची हुआ सवेरा, नहा धोकर तैयार तुम होना, अनमोल समय है यू मत होना। और अब ये क्या है, हमें बहुत सुंदर सुंदर लिखना है, लिखेंगे और सीखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया सुबह, ये बच्चों आप लिखेंगे, देखेंगे और लिखेंगे सुबह। और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, बांग, बा और इसके आगे चंद्र बिंदु और बांग, और बाकी का ये आप लिखेंगे और बोल बोल कर लिखेंगे बच्चों, ठीक है? ये आपका गृह कार्य होगा। और अगला है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर। रसोई में कौन काम कर रही है? रसोई में माँ काम कर रही है, माँ काम कर रही है। सुबह होने पर सबको क्या करना चाहिए? सुबह होने पर सबको अपने कार्य करने चाहिए, जैसे कि अगर हमें स्कूल जाना है तो हमें स्कूल की तैयारी करनी चाहिए जाने के लिए, और अगर हमें रसोई में कुछ काम करना है तो हमें सुबह होने पर हमें टाइम वेस्ट, समय को व्यर्थ नहीं करना है। सुबह होने पर सबसे पहले उठने के बाद हमें दैनिक कार्य हैं वो करने चाहिए। मुन्नी क्यों रो रही है? मुन्नी का बस्ता बहुत भारी है, उसे स्कूल जाना है लेकिन उसका बस्ता इतना भारी है इस कारणवश वो रो रही है। मुर्गे ने क्या किया? मुर्गे ने सुबह उठ के बांग लगाई, कुकरू कू कुकरू कू, जिससे सब लोग जो सो रहे हैं वो उठ जाएं। तो बच्चों कैसा लगा आपको ये पाठ? मैं आशा करती हूँ आपको ये पाठ बहुत अच्छा लगा होगा। और इसके साथ हमारा ये पाठ समाप्त हुआ, नए पाठ के साथ बहुत जल्दी आपके पास आते हैं। इसके लिए आभार।